गुड मॉर्निंग फ्रॉम गोवा। तो आपके सबका स्वागत है। आज हम लोग जाने वाले हैं केशवल स्प्रिंग वेरना वाटरफॉल में। तो बने रहे इस वीडियो के साथ। और अभी मैं लोकेशन पे पहुंच गया हूँ, तो आपको दिखाते हैं कि क्या लोकेशन से। बहुत अच्छा है वाटरफॉल, इजी एंड सिंपल है। बट एक प्रॉब्लम हुआ है कि यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है। यहाँ से यहाँ पे ये लोग वो पत्थर तोड़ रहे हैं, और ये जो ट्री गिर गया था उसको भी कटिंग कर रहे हैं। तो आप लोग वहाँ पे वाटरफॉल एंजॉय कर सकते हो, ऐसा कुछ यहाँ पे नज़ारा है। और इसी रीज़न की वजह से वाटरफॉल इंजॉय नहीं कर पाएंगे, बट बहुत नज़दीक है आपको। ये लोगों ने ट्री तो कटिंग कर दिया है, सिर्फ यही चीज़ बाकी है, तो आप वाटरफॉल जा सकते हैं। नेक्स्ट लोकेशन पे आज चलते हैं, आपको दिखाते हैं अगला लोकेशन यहाँ से कितना दूर है और कहाँ पे है। हमारा सेकंड डेस्टिनेशन है ब्रोकन ब्रिज, और ये होंडा में पड़ता है। यहाँ पे है वो लोकेशन ब्रिज, इसके लिए बोलते हैं बिकॉज ब्रिज टूट गया है दोनों साइड से जाने के लिए, और इसका नया ब्रिज अलग साइड से बना है। बट इसको अभी एज अ टूरिस्ट प्लेस या फिर आप व्यू पॉइंट बोल सकते हैं, जो बहुत से कम लोगों को पता है गोवा में घूमने के लिए आते हैं। अभी हम लोग भी उसी ब्रोकन ब्रिज को देखने हैं। यहाँ का व्यू बहुत ऑसम है, अगर आप लोग आए तो ये लोकेशन बहुत नज़दीक है। एंड मड़गांव से यहाँ पर आने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता, व्यू के लिए आ सकते हो, ज़्यादा लोग नहीं रहते वीकडेज में आना। तो ये एक नेट लगा है, बट इसको ब्रेक कर दिया है, तो आप उसके नीचे से अंदर जा सकते हैं। जो छूट चुका है यहाँ से वहाँ पे जाने के लिए, और वहाँ पे भी लोग जाते हैं फ़ोटो शूट करते हैं। शाम को आप लोग आ सकते हैं यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के लिए, बहुत बहुत ऑसम है। लिमिटेड लोग हैं, क्राउड ही नहीं है, एंड शाम को आप यहाँ पे चिल कर सकते हो। आप लोग देख सकते हैं क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है, वाह। तो शाम को कितना चिल रहेगा। वहाँ पर भी एक ब्रिज है जो टूटा हुआ है, इसको आप मैप में भी इजीली ढूंढ सकते हैं। ब्रोकन ब्रिज करके आप डालोगे तो आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे मिलते हैं। ब्रोकन ब्रिज आपने देखा ही होगा कितना यूनिक एंड ब्यूटीफुल है, मतलब उसको एक टूरिस्ट प्लेस टाइप बना दिया। एक अच्छी बात है यहाँ पे वो हमें कुछ चीज़ों को रीयूज़ कर रहे हैं ऐसे। खूबसूरत बीच है ये। Thank you.
हेलो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग जॉन हाईलैंड गेस्ट हाउस में रुके, तो ये ओनर जॉन हाईलैंड कंफर्ट गेस्ट के, तो इनसे पूछते हैं कि ये रूम आप लोग कैसा देते हैं। सो वी डू बुकिंग्स ऑन booking.com, वी आर ऑन ऑल OTAs, booking.com, मेक माई ट्रिप, Airbnb, विच एवर यू नेम इट, वी आर ऑल ऑफ इट। इट्स नेम इज जॉन्स हाईलैंड कंफर्ट गेस्ट हाउस गोवा। And also you can do direct bookings, you can contact us. If you go on Google, you'll find all the details. You can call on the numbers which are shown on the description down. And also make sure that you call 1 week in advance, because we always have rooms full, so not to disappoint you, so you have to call 1 week in advance to make the booking. को हर डिफरेंट टाइप के रेट्स के हिसाब से यहाँ पे रूम मिलेंगे। तो यहाँ पे लोग के दो वैरायटीज है, जैसे कि इस ये जूनियर स्वीट है, इसका रूम अभी तक, दिस इज नाउ स्टिल बी इन ऑफ सीजन, इट इज 1800, बट वी हैव स्लैश्ड डाउन द रेट्स टू 1200, एंड वी हैव आल्सो हैव लग्जरियस रूम्स व्हिच आर प्राइस्ड एट 1500, व्हिच आर राइट नाउ एट 999. ड्यूरिंग द सीजन इट गोस, दिस रूम्स गोस टू ड्यूरिंग द क्रिसमस सीजन, दिस गोस टू 2800, एंड that rooms goes to 2500 per night, and during the normal season it is 1800 for this room and 1500 for those. और भी कुछ आपको अगर इस रिलेटेड क्वेरीज रहेगा रेट के रिलेटेड, तो आप लोग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक एंड नंबर डाल दूंगा, ताकि आप लोग इजीली इनको कॉन्टैक्ट कर सको। साइड में लग्जरियस अपार्टमेंट टाइप में इनका रेट थोड़ा सस्ता है, इनका रेट थोड़ा महंगा है। यहाँ पे लोग ने ऐसे अपार्टमेंट टाइप रूम्स बनाए हैं, जहाँ पे आपको रहने के लिए अच्छा मज़ा आएगा, क्योंकि ये लोग ने इतना वेल मेंटेन रखा है इस जगह को, कि आपके 6 दिन कैसे निकल जाएंगे पता नहीं। बिकॉज हम लोग यहाँ पे 6 दिन रुके थे, और इतना ऑसम फील आया था ना, कि ऐसा फील ही नहीं हुआ। और यहाँ के जो ओनर है एंड इनकी फैमिली है, बहुत सपोर्टिव आपके लिए। तो अगर आप लोग को गोवा आना है और आप लोग साउथ गोवा एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो आपको मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा आप जॉन हाईलैंड कंफर्ट गेस्ट हाउस में रुके। लोग का जो रेट और सर्विस है वो बहुत अच्छा है, और पूरा स्टाफ, मतलब पूरी फैमिली, ये लोग पूरा फैमिली मिलकर हैंडल करते हैं, वो बहुत आपको सपोर्ट करेगा। हर एक प्लेस के बारे में आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो उसके बारे में भी ये लोग सजेशन देते हैं। ये किंग साइज बेड आपको मिलेगा यहाँ पे, एंड ये LED, यहाँ पे आप लोग आपका वर्क कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे आपके नॉलेज के लिए यहाँ पे बुक्स रखे जाते हैं, और ये एक मिरर जो आपको बहुत कम देखने मिलता है हर एक होटल्स में। एक बड़ा सा स्टोरेज है जहाँ पे आप लोग स्टोर कर सकते हो बहुत कुछ चीज़ें। यहाँ पे भी एक स्टोरेज है, एंड इन केस अगर आपको बातें करनी हो तो आप लोग यहाँ पे बात भी कर सकते हैं। ये एक अच्छा खासा फ्रिज, और इसमें भी आप लोगों को ये ऐसे कुछ ऑलरेडी सर्विसेज दिए जाते हैं, जो आप कुछ आप ले सकते हो। एंड मेन बात पे आते हैं, वॉशरूम इतना खूबसूरत बनाया है, बढ़िया है ये। किचन एंड लॉन्ड्री भी है यहाँ पे। ये है किचन, यहाँ पे आपको कुछ इसे एसेसरीज मिलेंगे, ग्लास, चम्मच, ये क्या बोलते हैं इसको, किटली, इलेक्ट्रिक किटली, एंड गैस पे आप लोग, तो हम लोग मॉर्निंग में जो ब्रेकफास्ट होता है यही भी बना के निकलते हैं, ताकि बजट ट्रिप हो। यहाँ पे है लॉन्ड्री, आपको अगर कपड़े धोने हैं तो आपको यहाँ पे वॉशिंग मशीन मिलेगा। अगर आपको आयनिंग करना है तो वो भी यहाँ पे फैसिलिटीज़ है, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, ना किचन का, ना लॉन्ड्री का, ना आयनिंग का।
तो बेस्ट ऑप्शन है, मतलब हर